तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है मेरी इस एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ ब्रजमंडल की महारानी राधा रानी के गांव यानी बरसाना। आज की वीडियो में आपको मैं बरसाना और वृंदावन के दर्शन कराऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस, हम निकल चुके हैं दिल्ली से बरसाने के लिए। तो गाइस, हम यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं। हम सुबह निकले थे सुबह 8 बजे, तो हमने घर पर नाश्ता नहीं कर पाया था, तो हम बीच में रुके थे। तो यहाँ पर नाश्ता कर लिया, कुछ गाड़ी में कर लिया था, कुछ यहाँ पर कर लिया। अनुभव तब ही होता है जब भाव सरस ही है हो। तो यहाँ पे प्रिया प्रीतम आज नई नई लीलाएं करते हैं, तो लीला करते करते यहाँ पे प्रिया प्रीतम को, राधा रानी को अचानक से प्यास लगी इस गहरे वन में। तो यहाँ पे कोई कुंड, कुआ, तालाब, बावली कुछ नहीं था, तो भगवान ने बंसी से इस कुंड को प्राकृतिक किया राधा रानी के लिए। राधा रानी ने आचमन किया, स्नान किया और मेहंदी वाला हाथ भी धोया, तो इसका नाम राधा सरोवर हो गया। यह कुंड 3 नामों से जाना जाता है। गहवर वन के अंदर है इसलिए गहवर वन कुंड बोलते हैं। भगवान ने बंसी से बनाया इसलिए कृष्ण कुंड बोलते हैं, और राधा रानी ने आचमन स्नान किया है इसलिए राधा सरोवर बोलते हैं। तो इस राधा सरोवर का महत्व है, कहते हैं देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। देवता भी कृतार्थ हो जाते हैं यहाँ का स्नान और पान करने से, और सारे तीर्थ यहाँ पे रमण करते हैं स्नान पान करने के लिए। ये सामने मोर कुटी है बाबू, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मोर बन के नाचे हैं। इधर आ जाइए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मोर बन के नाचे हैं राधा रानी को मनाने के लिए। जैसे ये मोर कुटी देख रहे हैं, इसी तरह इस साइड में मान मंदिर है, मानगढ़, वहाँ पे राधा रानी मान करके बैठी है। मान मतलब गुस्सा होके या नाराज होके। अब वो गुस्सा और नाराज क्यों हुए वो लीला थोड़ी बताऊंगा तो थोड़ा समय लंबा हो जाएगा। ऐसा है, यहाँ पे प्रिया प्रीतम ने एक दूसरे का श्रृंगार किया है। राधा रानी ने ठाकुर जी के मुख कमल का श्रृंगार किया है और ठाकुर जी ने राधा रानी के मुखारविंद का श्रृंगार किया है। तो श्रृंगार जब हो गया है तो राधा रानी पूछने लगी, हे प्यारे श्याम सुंदर, तेरो मुख नीको की मेरो मुख नीको। अच्छा, नीको मतलब सुंदर, अच्छा। तो भगवान बोले हैं, किशोरी जी आपका मुखारविंद तो बहुत ही सुंदर है, मैं आपके मुख कमल की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। नहीं नहीं, फिर राधा रानी जिद कर गई, नहीं नहीं फिर भी कुछ कहो, कोई उपमा दीजिए। तो भगवान बोले, ठीक है किशोरी जी, आपका मुख कमल ऐसे लग रहा है जैसे ये चंद्रमा सुंदर लग रहा है, ऐसे सुंदर आपका मुख कमल लग रहा है। तो इसी बात पे राधा रानी नाराज होके मान मंदिर पे बैठ गई थी, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, उसको ग्रहण भी लगता है, उसको दाग धब्बे भी बताते हैं, तो वो कलंकित है। तो इसी बात पे राधा रानी मान करके बोली नहीं, मान करके बैठ गई। तो भगवान ने मोर बन के फिर यहाँ पे मनाया राधा रानी को। जब राधा रानी मान गई तो वो भी मोरनी बनी, और जो सखियाँ हैं कोयल कोई पपिया करके, ऐसे सखियों ने भी पक्षियों का रूप धारण किया। तो कहते हैं ना, कान्हा मोर बने आयो, यहाँ पे कान्हा जी मोर बने। ये जो पर्वत देख रहे हैं आप, ये साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत रूप में विराज हैं, इनको ब्रह्माचल पर्वत बोलते हैं। ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, वो यहाँ पे गढ़ के रूप में विराज रहे हैं। इधर पड़ता है मानगढ़, मोरकुटी के आगे आएगा दानगढ़, जहाँ पे श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारे का भेष बनाया। उसके आगे पड़ता है श्री वृषभानगढ़, जहाँ श्री राधा रानी का मैन मंदिर है,
उसको बोलते हैं श्री ब्रिशवानगढ़। ब्रिशवान जी पिताजी का नाम है राधा रानी के, वो उनका गढ़ है। और सांकरी खोर से इस साइड में पड़ता है वो है विलासगढ़। तो ये चार जो गढ़ हैं ये ब्रह्मा जी के मुखारविंद हैं। मोरकुटी जो है ये ब्रह्माचल पर्वत की चोटी है। ये गहवर वन जो है, गहवर कहते हैं हृदय को, ये हमारी श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप है गहवर वन। बोलिए गहवर वन धाम की जय, राधा सरोवर की जय, जय जय श्री राधे। और सबसे पहले हम माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करेंगे। मथुरा वृंदावन में जहाँ श्री कृष्ण जी की धूम है, वहीं माँ वैष्णो देवी जी का 141 फीट ऊंचा दरबार भी सजा हुआ है। अरे ज्योति गई कहाँ यार? ज्योति जम्मू के वैष्णो देवी की तर्ज पर वृंदावन में बने इस मंदिर की अपनी एक अलग ही मान्यता है। लोगों के अनुसार आज भी इस मंदिर की रक्षा श्री हनुमान जी करते हैं और इस मंदिर में स्थापित माँ वैष्णो देवी की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की पेंटिंग भी बनाई गई हैं। Yeah.
फिर हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ। और फिर हम आ जाते हैं प्रेम मंदिर, और इस मंदिर को रात में देखने का एक अलग ही मजा होता है। तो हम आ गए रात में, वृंदावन का प्रेम मंदिर पूरे विश्व में फेमस है। कहा जाता है कि आगरा ताजमहल प्रेम मंदिर प्रतीक है, वैसे ही प्रेम मंदिर भी राधा और कृष्ण के प्रेम की आता है। इस मंदिर को देखने के लिए और भगवान राधा और श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से वृंदावन लोग आते हैं। और इस झांकी में आप देख सकते हैं नन्हे से बाल कृष्ण जी अपने भाई बलराम जी के साथ में अपने सखाओं के साथ गौ चराते हुए नजर आते हैं। इसमें आप देख सकते हो श्री कृष्ण राधा रानी के साथ और उनकी गोपियों के साथ नृत्य करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको खूबसूरत सा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी का रथ नजर आ जाएगा, जो कि महाभारत युद्ध के दृश्य को दर्शाता है। इस वाले दृश्य में आपको नन्हे से बाल कृष्ण जी बड़े से गोवर्धन पर्वत को अपने तजनी उंगली पर उठाते हुए गोवर्धन वासियों की रक्षा करते हुए नजर आ जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी झांकियां आपको देखने को मिल जाती हैं। The next day. Good morning everyone. तो guys आज हमें वृंदावन में, तो आज हमारा second day वृंदावन में। तो guys कल आपको हमने दिखाया प्रेम मंदिर, आज हम आपको दिखाने आज कौन टेम्पल और बहुत सारी चीजें वो आपको दिखाने वाले हैं। राधे राधे बोलो बागे बिहारी लाल की जय। और फिर हम पहुंच गए बागे बिहारी जी के मंदिर। यहाँ पर भक्तों की भीड़ देख सकते हो।
बांके बिहारी जी के दर्शन करके हम आ गए केसी घाट। बांके बिहारी जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर है केसी घाट। और केसी घाट से घूम के हम आ गए इस्कॉन टेम्पल। माना जाता है कि 5000 साल पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने गायों को चराने आते थे और खेला करते थे, ठीक उसी जगह पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण करवाया गया है।
तो चलिए गाइस, ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।